ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वालामुखी पहुंचने पर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार, जिला शिमला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि सिंह ठाकुर और जिला कांगड़ा के गणेश दत्त ने सबसे पहले मां ज्वालामुखी के दर्शन किया और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। विनोद कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को मांगों को लेकर सरकार से वार्ता पिछले कई सालों से बंद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कर्मचारियों के साथ वार्ता के दौर को फिर से शुरू किया जाए। ज्वालामुखी पहुंचने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार, जिला शिमला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि सिंह ठाकुर व जिला कांगड़ा के गणेश दत्त ने सबसे पहले मां ज्वालामुखी मंदिर में मां की विधिवत पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। सह मंदिर अधिकारी अमित गुलेरिया व मंदिर न्यास सदस्य पुजारी सौरभ शर्मा ने उन्हें ज्वाला माँ की चुनरी व माँ की प्रतीका भेंट की। विनोद कुमार ने कहा कि कर्मचारियों को मांगों को लेकर सरकार से वार्ता पिछले कई सालों से बंद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ वार्ता के दौर को फिर से शुरू किया जाए ताकि कर्मचारियों की मांगों और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जा सके। विनोद ने बताया कि वर्ष 2016 के बाद से कोई भी JCC की बैठक नहीं हुई है। जिन विभागों में भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन की जरूरत है वे जल्द से जल्द पूरे किए जाए ताकि कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में केंद्रीय वेतनमान को लागू कर राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ प्रदान करे, क्योंकि राज्य के कर्मचारी अब पंजाब राज्य के अनुरूप वेतनमान दिए जाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ कर्मचारी नेता कथित तौर पर सरकार व कर्मचारियों के मध्य भ्रम फैलाकर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर अपना स्वार्थ साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि 21 जुलाई 2019 को बिलासपुर में कर्मचारी महासंघ के चुनावों में मान्यता देते हुए उन्होंने संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के लिए आमंत्रित कर भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए ताकि सरकार व कर्मचारी पूरे समन्वय से राज्य के विकास के लिए कार्य कर सकें। आज महामाई ज्वाला जी के दर्शन करके बड़ा आनंद महसूस हुआ और हम कर्मचारी महासंघ की राजनीति को लेकर जो उठापटक चली हुई है लगता है उसका बड़े जल्दी समाधान होगा। कर्मचारी महासंघ प्रदेश का बहुत बड़ा प्रतिष्ठित कर्मचारियों का संगठन है और सरकार और कर्मचारियों के बीच में वार्ता के लिए JCC का एक प्लेटफॉर्म सरकार ने बनाया है, उसकी बहाली को लेकर महासंघ प्रयास कर रहा है और बड़ी जल्दी कर्मचारियों के मसलों को हल करने के लिए JCC सरकार के साथ होगी और बाकी सरकार से मुद्दे सब उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री क्रम बार उन मतलब मांगों के ऊपर फैसले भी कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से कर्मचारियों के साथ ठगी का काम किया और उनको गुमराह किया, वर्तमान जयराम सरकार कर्मचारियों के साथ बेहतर संबंध बनाने का काम कर रही है और उसी को लेकर जो कर्मचारियों की जरूरत मांगे हैं उनके सामने रखी जा रही है, उस पर सरकार फैसले ले रही है। उसमें सबसे बड़ा फैसला हाल ही में सरकार ने ट्रिब्यूनल को बंद करने का लिया है और कर्मचारियों के मसलों की पैरवी के लिए माननीय उच्च न्यायालय में व्यवस्था की है। ये हिमाचल के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि सरकार की प्रताड़ना और प्रशासन की प्रताड़ना के शिकार कर्मचारी जब ट्रिब्यूनल के अंदर जाते थे तो उनका वहाँ उल्टा उत्पीड़न होता था राहत मिलने की बजाय, तो उच्च न्यायालय से एक न्याय सम्मत फैसला आता है उसको मानने के लिए सरकार पक्ष भी बाध्य होता है और कर्मचारियों को भी एक न्याय मिलता है। इसको लेकर महासंघ जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना कर रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारियों का वेलकम किया है। दूसरे अब कर्मचारियों की बड़ी प्रमुख मांग है कि सेवंथ पे कमीशन केंद्रीय वेतनमान आयोग को लागू करने को लेकर महासंघ प्रयासरत है और 2-3 बार मुख्यमंत्री से मिल चुका है। इस संबंध में अब हम दोबारा से फिर प्रदेश सरकार के वित्त सचिव को भी इसमें ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को ज्ञापन देंगे और हम कहेंगे कि जो केंद्रीय वेतनमान की 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट है वो प्रदेश का कर्मचारी लंबे समय से उसका इंतजार कर रहा है। आज प्रदेश का कर्मचारी पंजाब के साथ कभी भी अब उसके साथ नहीं जाना चाहता है, तो इसलिए हमारे जो केंद्रीय वेतनमान है 7वें पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करें और कर्मचारियों का विक्टिमाइजेशन बिल्कुल भी ना हो किसी भी राजनीतिक स्तर पर। हम ये बात बार बार कह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इस संबंध में काफ़ी ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसको और मतलब मजबूत करने की आवश्यकता है इस प्रणाली को, उसको लेकर महासंघ बड़ी जल्दी
अपना भी एक प्रारूप मुख्य सरकार को देगा ताकि सरकार और कर्मचारियों के बीच में एक बेहतर समन्वय बना रहे और कहीं भी सरकार की तरफ किसका उत्पीड़न ना हो जैसा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय होता रहा है। बोलिए। अब महासंघ के चुनाव 21 जुलाई 2019 को बिलासपुर के किसान भवन में संपन्न हो चुके हैं, सारी प्रोसीडिंग्स कार्ड के पास पड़ी हुई है, तो अब इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। तो हमारी मुख्य सरकार से मांग है कि अब महासंघ जिसका विधिवत तौर पर गठन हुआ है, जो बोनाफाइड महासंघ जिसको बोलते हैं हम, वो है अराजपत्र कर्मचारी सेवाएं महासंघ, उसकी प्रोसीडिंग्स का पुरस्कार के पास पड़ी हुई है, उसको तुरंत जेसीसी के लिए सरकार आमंत्रित करे। ये महासंघ की बड़ी ज्वलंत और बड़ी एक सघन डिमांड है।